जी गाइस, तो अभी मैं आपको देता हूँ अपने रूम का टूर, विच इज़ इन शेरेटन मक्का, सिचुएटेड एट जबल अल काबा। और लेट मी जस्ट टर्न द कैमरा एंड आई विल शो यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस रूम। ये है हमारी एंट्रेंस रूम की, ये हमारी एंट्रेंस है रूम की। यहाँ से हम एंटर होते हैं और यहाँ पे हम कार्ड जो है ना इंसर्ट करते हैं, लाइटिंग ऑन हो जाती है। अभी लाइटिंग ऑन है, बच्चे सो रहे हैं, तो इस वजह से मैं जो है ना वो अभी कुछ करना नहीं चाहता। तो अभी अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्टर्ब ना करे, सो यू कैन क्लिक हियर, इट विल शो नॉट डिस्टर्ब। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले विल टर्न ऑन द लाइट्स। ये है शॉवर एरिया, ये है वॉश बेसिन, और ये सारे टॉयलेट्रीज वगैरह, डेंटल किट, सोप। और इस साइड पे जो है वो टॉयलेट सीट है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा रहा बट आपको पता ही है। और यहाँ पे है जी एक कबर्ड, कबर्ड में आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ कपड़े भी लटकाए हुए हैं, ये इसकी लाइट्स जो है ना वो ऑन हो गई हैं। ये कुछ स्लीपर्स हैं, ये कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन भी है, हैंगर्स हैं, उसके अलावा एक लॉकर है। यहाँ पे मैंने कुछ अपने कपड़े रखे हुए हैं, अगेन कपड़े हैं। उसके अलावा यहाँ पे जी हेयर ड्रायर है, और वैसे इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया लॉकर को। और यहाँ पे हमारी जो है मिनी फ्रिज है, और यहाँ पे जी कैटल विद चाय का सामान, और साथ में ये पानी की बॉटल्स जो है ना वो आपको जब हाउस कीपिंग आती है तो वो रख के चले जाते हैं। यहाँ पे हमने खाना खाया तो वो बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ से इस तरफ आते हैं तो एक मिरर है, फुल मिरर, ये मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ से जी हमारा रूम स्टार्ट हो गया। रूम तो खैर कब का स्टार्ट हो गया, हमारा ट्रिपल रूम है। तो ये हमारे 3 बेड्स हैं, बच्चे सो रहे हैं, वाइफ मेरी जो है वो हरम में गई हुई हैं। अब मैंने होटल में आज नमाज़ पढ़ी है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, और बच्चों को मैंने उठाने की कोशिश भी की है, बट लेट्स सी। ये 2 लैम्प्स लगे हुए हैं, ये हाबिल साहब सो रहे हैं, वो अहमद हैं। और यहाँ पे है जी एक LED, यहाँ पे कुछ कैबिनेट्स हैं जिनमें हमने सामान रखा हुआ है। और आपको थोड़ा सा मैस नज़र आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है रूम यूज़ हो रहा है तो इतना सा मैस तो होगा, बच्चे हैं साथ। ये एक चेयर है जिसके ऊपर मैंने टॉवल रखा हुआ है, चेयर के साथ ये स्टडी टेबल है। एक फ़ोन यहाँ पे है, एक फ़ोन वहाँ पे है। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आई गेस आपको नज़र आ रहा है या मैं ही नज़र आ रहा हूँ आपको, बाहर से रोड भी आपको नज़र आ रहा है। ये सामने हरम है, ये सामने हरम है। तो ये था जी, यहाँ से ना रूम का कुछ व्यू ऐसे नज़र आता है। ठीक है जी गाइस, तो अभी मैं आपको अपनी फ्रेश दिखाता हूँ। मैं ब्लूबेरीज लेके आया था तो मैंने कभी नहीं खाई, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में यहाँ पे ब्लूबेरीज ट्राई की हैं। और मैंने भी मोहम्मद अहमद ने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही ब्लूबेरीज जो है ना वो ट्राई की हैं। तो अभी हम आपको अपनी फ्रेश में दिखाते हैं कि आज माशाल्लाह हम क्या क्या लेके हैं। आज हमारे साथ बुरी ट्रेजेडी ये हुई है कि मैंने एहराम पहना हुआ था, मेरे पास अहमद था, मेरे पास इतने शॉपर थे खाने वाले, और कुछ मैंने फ्रूट्स वगैरह भी बाय किए थे। तो मेरी जो हाबिल ने मुझे बोला था कि मेरे लिए ना डेट्स ले हैं, डेट्स तो वैसे हमने खजूरें जो हैं वो मदीना से लेनी है, बट मैंने कहा चलो मैं 1 kg जो है ना मक्का से ले लेता हूँ। मैंने 50 रियाल की जो है ना वो अंबर खजूर ली, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। वो मैंने पैसे जो है ना वो वापस ले लिए, लेकिन खजूरों वाला शापर ना तो मुझे आदमी ने पकड़ाया और ना ही मुझे पकड़ना याद रहा, बट कोई बात नहीं। अफरीन देखिए मुझे मोहम्मद कह रहा है अब हमारी फ्रिज देखें। ये सबसे मैं हाबिल का दूध लेके आया हूँ, जूस जूस है जी, मिक्स कौन सा बेरीज का मिक्स्ड बेरीज का। और ग्लास और ये इसमें ना दूध, चॉकलेट। सुबह जब हम वहाँ ब्रेकफास्ट बूफे पे गए थे ना तो वहाँ से हमने दूध लिया था। और यहाँ पे हैं हाबिल और अहमद चॉकलेट के चॉकलेट्स, और एक मामा एक बाबा एक का, मामा बाबा का। ये हैं जी ब्लू बेरीज, चलो मैं खा के दिखाता हूँ आपको और टेस्ट बताती हूँ। चलो ठीक है खा के दिखाओ और टेस्ट बताओ। गिर जाएंगी ना, लाओ मैं खोल दूँ। बहुत मजे का। बहुत मज़े के। चलें जी, अहमद कह रहा है कि मैं आपको खाता हूँ और
टेस्ट बताता हूँ। ये मैंने फ्रिज कर दिया बंद, तो मैंने सोचा कि मैंने आपको इतनी चीज़ें दिखाई हैं तो वाई नॉट फ्रिज क्यों नहीं। चलें जी, अभी मुझे अज़ान ईशा की हो गई है, अब मैं वुज़ू करके नमाज़ पढ़ूंगा। और अहमद साहब मुझे बोल रहे थे कि जब आपने बाबा घर बनवाना है तो आपने क्या क्या करवाना है, वो अहमद साहब की ज़ुबानी हम ना थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो सबसे पहले घर में ना दरवाजे के पास गार्ड्स रखते हैं, और लिफ्ट की गाड़ी है, और ना और फ्लोर बहुत ज्यादा होने चाहिए, फ्लोर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और हमारी घर बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, वो आपको मुकेश अंबानी जैसी बिल्डिंग चाहिए। आपको मुकेश अंबानी का पता है अहमद हाँ, कौन है? वो बहुत अमीर। बहुत अमीर है। कहाँ पे रहता है वो? मुझे नहीं पता, तो आपको ये कैसे पता बहुत अमीर है वो? पर वो तो मैंने मोबाइल पे सुना हुआ है। मोबाइल पे सुना हुआ है। चलें, ये आपने अहमद की गुफ्तगू सुनी है, उसको मुकेश अंबानी का पता है, उसने मोबाइल में सुना हुआ है। और जी, बाकी इंशाल्लाह फिर आपको साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। हाबिल करम, जी गाइस, अभी हम पढ़ने आए हैं फजर की नमाज़, तो हम आए हैं ऊपर और ये है इस तरफ खाना काबा। जी तो जनाब, अभी हम जगह तलाश करते हैं और जाके बैठते हैं। अगर आपने नीचे नमाज़ पढ़नी है तो फिर आपको एहराम पहन के आना पड़ेगा। मैंने एहराम वैसे अभी नहीं पहना, क्योंकि एहराम बच्चों के साथ एहराम कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। जी गाइस, मैंने तहज्जुद की नफल जो है ना वो पढ़ ली है, और अभी मैं इस वक्त यहाँ पे बच्चों के साथ आके बैठ गई हूँ। गाड़ी में बाबा जी घूम गए हो, अब गाड़ी में भूल गए हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अहमद साहब जो है ना वो मुझे खजूरों का बता रहे हैं कि आप दुकान पे नहीं, मैं भी गाड़ी में भूल गए होंगे, बट एनी वेज इट्स फाइन। तो लेट मी जस्ट टर्न द कैमरा, शो यू माई सराउंडिंग्स। अहमद, हाबिल, यहाँ पे देखो। आने देंगे वो खाना कबाब वाली साइड पे, नहीं ना जाने देते हैं। जी गाइस, फजर की नमाज़ हमने पढ़ ली है और अभी हम बाहर आ चुके हैं, हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। और मेरे साथ माशाल्लाह दो बच्चे भी हैं, आपको दिखाता हूँ। हाबिल, हाबिल, यहाँ पे देखो। अभी मैं आपको अहमद दिखाता हूँ। अहमद, आप कहाँ पे हो? अभी मैं कैमरा टर्न करता हूँ और आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। ठहरो, चलो आ जाओ, चलते जाओ। हाबिल, चांद नजर नहीं आ रहा क्या? चांद ये देखें गाइस, ये कुछ मनाजर है यहाँ के, नजर नहीं आ रहा, फिर भी अब क्या? चांद, चांद यही रहा। चलो हाबिल अहमद, अब हमने डाल दिया, अब हम चले। पहले दाना खा ला ही है, और पहले दाना खा ला। चाबी डालो, पकड़ो।